हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज हम लोग बनाने वाले हैं निडी इरेज़र, और निडी इरेज़र बना के हम लोग ये देखेंगे कि वो किस तरह का रिज़ल्ट उससे मिलता है। और गाइस, उसको बनाने के लिए हम लोगों के पास कौन कौन सी चीज़ें होना चाहिए वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले गाइस, हम लोग के पास एक टेप होना चाहिए और एक रबर होना चाहिए इरेज़र। तो गाइस, इरेज़र ऐसा नहीं कि आप पास नया ही होना चाहिए, आप पास कोई पुराना पड़ा हो तो आप वो भी ले सकते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इरेज़र जो आप यूज़ कर रहे हो वो सॉफ्ट हो, ज़्यादा हार्ड ना हो। ओके गाइस, तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग जो है टेप को जो है निकाल लेंगे ऐसे। गाइस, मैंने पतला टेप इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास यही टेप अवेलेबल है और चौड़ा टेप है नहीं, तो इस वजह से मैंने पतला यूज़ किया है। अब देखते हैं इससे कैसे बनता है, ये देखते हैं। और गाइस, इसको उल्टा चिपकाना है, ये इसको ध्यान में रखना, क्योंकि कुछ लोग उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे क्या करना है, तो उसको ये ध्यान में रखना कि इसको उल्टा चिपकाना है। ठीक है, ये हो गया गाइस। अब क्या करना है आपको, इरेजर को इसके ऊपर रफ करना है। गाइस, जो ये इस ग्लू के साथ निकल रहा है, इसको हम लोगों को कलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि यही हम लोग को जो है निडी इरेज़र बना के दिखाएगा। इसको बस कलेक्ट करते रहना है और इसको जो है रफ करते रहना है। वैसे तो बहुत आसानी से रफ हुआ जा रहा है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जितना टेप में ग्लू होगा गाइस, उतना ही ये रफ होगा, उसके बाद नहीं होगा, आपको टेप चेंज करना पड़ेगा। अब गाइस, हम लोगों को टेप चेंज करना पड़ेगा क्योंकि टेप ख़राब हो चुका है, तो अब न्यू टेप लगाते हैं। फिर वही काम करना है गाइस, उल्टा टेप लगाना है, सीधा नहीं लगाना है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। सेम प्रोसेस वही रहेगा जैसे हम लोग ने पहले किया था। गाइस, हाथ की तो वॉट लग चुकी है पहले से, इतना हीट कर रहा है ये, अजीब से लगा एकदम। सो गाइस, इतना ही कलेक्ट हो पाया है क्योंकि हाथ की तो वॉट लग चुकी है पहले से, दर्द होने लगा हाथ में इसको करते करते। अब गाइज, आपको इसको कायदे से मिक्स कर लेना है अच्छे से, ताकि इसका जो ग्लू है ना वो अच्छे से सारी ओर मिक्स हो चुका हो, वो अच्छे से इसको वो कर लेना है, मिक्स कर लेना है गाइज। सो गाइज, इतना ही सा कलेक्ट हो पाया है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हैं इतना सा कलेक्ट हो पाया है। और गाइज, इसको कलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगी, काफ़ी घिसना पड़ा उसको, रब करना पड़ा। तो अब देखते हैं इससे कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, कैसे हाईलाइट होती है, किस तरह से होती है, तो चलिए ये देखते हैं। ओके, सो गाइस, ये आर्ट वर्क है, इस पर अभी मैं हाईलाइट करूँगा और देखते हैं किस तरह का रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं ये लाइन पे कर रहा हूँ,
काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है गाइस, बट उतना अच्छा नहीं आ रहा जितना अच्छा हम लोग पेंसिल इरेजर से कर लेते हैं। सो गाइस, आप इसको आराम से घर में आप बना सकते हो। अगर आप चाहो, अगर आप नहीं ख़रीद पा रहे हो नीडेड इरेजर, तो आप इसको आराम से घर में बना सकते हो। मैंने बता दिया आपको किस तरह से बनाना है, तो आप इसको अच्छे से बना सकते हो। और गाइस एक बात और कि आपने अभी ये आर्टवर्क अगर मेरा नहीं देखा है, तो इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो। और प्लीज़ गाइस कमेंट करके बताना कि किस तरह की लगी ये वीडियो और ये आर्टवर्क। ओके, तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो गाइस उसको देखना मत भूलना, ठीक है? तो गाइस चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।